खुद क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं। वो अभी वार्तालाप की क्लास में कुछ बोले नहीं, शांति से बैठे रहे। मैंने साक्षी होकर के सुने। हाँ जी, बाबा। हाँ जी, बोला है कि रामकृष्ण की आत्माएं धरणी का आधार लेती है। हाँ जी, और कच्छा मच्छा अवतार ज्ञान जल का आधार लेते हैं। हाँ जी, उसका अंतर क्या है? अंतर ये है, सिर्फ ज्ञान को मानना लेकिन साकार को न मानना। और साकार होती है माता या पिता? माता होती है साकार। अहम बीज प्रदम पिता, मैं बीज डालने वाला पिता हूँ। बीज होता है सूक्ष्म निराकार। तो जो भी रामकृष्ण की आत्माएं हैं, मनुष्यों के अवतार हैं, वो सिर्फ ज्ञान के आधार पर चलने वाले नहीं हैं, वो कन्याओं माताओं रूपी धरणी का आधार लेकर के चलते हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। और जो भी जानवरियत के अवतार हैं, कच्छ मच्छ आदि अवतार जिन्हें कहा जाता है, वो वास्तव में भगवान का अवतार होते भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ज्ञान के घमंड में आते हैं, इसलिए वो ज्ञान का आधार लेते हैं, कन्याओं माताओं को आगे रख करके नहीं चलते। कन्याओं माताओं को धरणी कहा जाता है, धारणा शक्ति कहा जाता है। उसमें भी खास भारत की माताएं कन्याएं पवित्रता को विशेष धारण करने वाली हैं। जिनमें पवित्रता का गुण है, वो ज्ञान को सही रूप में धारण कर सकती हैं। जिनमें पवित्रता का गुण नहीं है, जैसे विदेशी कन्याएं माताएं, बार बार डाइवोर्स देंगी, बार बार नई शादी करेंगी, ऐसी व्यभिचारिणी माताएं ज्ञान को सही रूप में धारण नहीं कर सकती। इसलिए गायन है, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है। अगर देह अभिमान की मिट्टी का पात्र होगा तो उसे फोड़ के निकल जाएगा, ठहरेगा नहीं। इसलिए रामकृष्ण की महिमा है कि वो कन्याओं माताओं का आधार लेते हैं। और सब हैं जानवरियत के अवतार, अहंकार में आ जाते हैं, उनको देह का अहंकार छूटता नहीं है। और हुआ जो बच्चे हाँ जी, लेकिन वो तो काम के आधार पर ही उसको दिखाया गया है, लेकिन जो माताओं की तरफ दिखाया गया है उसका, माताओं की तरफ जो काला कपड़ा दिखाया गया है उसका अर्थ क्या है? माताओं से समझ गया। मुख्य धर्म कितने हैं? चार मुख्य धर्म है। तो जो चार मुख्य धर्म हैं, उनमें देवता धर्म का बीज है राम। राम कहो कृष्ण कहो, क्योंकि पर्सनालिटी तो एक ही बन जाती है। क्योंकि शंकर के मस्तक पर शीतल पाठ बजाने वाला ज्ञान चंद्रमा मस्तक में विराजमान रहता है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि राम अलग है, शंकर अलग है, कृष्ण अलग है, वो तो एक ही हो गया। उसके बाद दूसरा धर्म कौन सा आता है? इस्लाम। इस्लाम धर्म वो सब धर्मियों का मुखिया है, जो आज से 2500 साल पहले आया। उसका जो बीज है
वो सीढ़ी के चित्र में काले कपड़े वाला दिखाया गया, क्योंकि जो विषय है विषय विकार है, जो विषय है वो काले रंग का होता है या नीले रंग का होता है। ये देखा होगा रामलीला जब खेलते हैं तो राक्षसों को कैसे कपड़े पहनाते हैं, काले या नीले। वो तो हुआ चार कुमार दिखाए गए हैं जिनमें एक काले कपड़े वाला दिखाया गया। अब ये जो कुमार हैं वो बीज रूप आत्मा हैं, साकार बीज हैं या निराकार बीज हैं? साकार बीज। उसको बताने दो जिसने पूछा। साकार बीज है, इस सृष्टि के 84 जन्म लेने वाले बीज हैं। तो जो 84 जन्म लेने वाले बीज हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के। तो उनकी सहयोगिनी शक्ति भी कोई होगी ना, जैसे राम की सहयोगिनी शक्ति सीता, कृष्ण की सहयोगिनी शक्ति राधा मानी जाती है, ऐसे ही इस्लाम धर्म का जो बीज है उसकी कोई सहयोगिनी शक्ति है। तो जो ज्यादा सहयोग करेगी इस्लाम धर्म के बीज का, ज्यादा संग साथ रहेगी, अनेक जन्मों का संग करेगी, उसमें उसके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। लगेगा तो शरीर रूपी वस्त्र कैसा हो जाएगा? काला। तो काला हो गया, तो दिखाया गया। और है नाम का इस्लाम का सहयोगी मुस्लिम। अरे जैसे राम का सीता होता है, राम का सीता होता है, राम और कृष्ण है तो एक ही? नहीं बाबा, राधा। ये बताओ राम कृष्ण एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है, लेकिन उनकी सहयोगिनी शक्तियाँ अलग अलग है। राम की सहयोगिनी शक्ति और कृष्ण की सहयोगिनी शक्ति, उनमें अंतर है। एक है जगदम्बा और एक है भारत माता। क्या? एक है मिस वर्ल्ड और एक है मिस इंडिया। ज्यादा पवित्र कौन है? मिस इंडिया को भारत माता वंदे मातरम किया जाता है। और बाबा वो मिस इंडिया को सच्ची गीता कहने से ठीक है भाई? एक तो सच्ची गीता होती है और एक झूठी गीता होती है। तो जो सारे जगत की अम्बा होगी वो राक्षसों की अम्बा होगी या नहीं? तो राक्षस बच्चों की पालना करेगी। और दुनिया में राक्षसों की संख्या ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है? तो राक्षसों का ज्यादा संग करेगी तो रंग कैसा चढ़ेगा? राक्षसों का रंग लग जाएगा ना। और माता के ऊपर तो वैसे भी बच्चों का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, मेरा लल्ला मेरा लल्ला। बच्चों के पीछे दीवानी हो जाती है। तो जगदम्बा में ज्यादा प्योरिटी होगी या भारत माता में ज्यादा प्योरिटी होगी? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये नहीं कहा जगदम्बा अंत का यही नारा है, है शिव शक्ति जगदम्बा भी, लेकिन जो लक्ष्य है जीवन का, मनुष्य जीवन का, नारी से लक्ष्मी बनना, नर से नारायण बनना, वो लक्ष्य जगदम्बा नहीं प्राप्त करती। बाबा जो बच्चे भक्ति पद पूरे कर चुके हैं और कारण अकारण मासिक संगठन में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन खान पान शुद्ध है उनके और अपने घर में सीधी या टेप में मुरली सुन रहे हैं, उनके हाथ का खाना खा सकते हैं या नहीं? आपको कैसे पता कि कौन कितनी धारणा करता है या नहीं करता है?
कहते हैं किसी के कहने से मान लेंगे? नहीं मानना चाहिए। देखो पहचान है, जो जितना योगी सो उतना सहयोगी। क्या योग माना? स्नेह, प्यार। जो जितना जिसको प्यार करता है, स्नेह करता है, उसका सहयोग जरूर करता है। और सहयोगी नहीं है तो कभी भी संगठन में काम नहीं आवेगा। सहयोगी होगा तो संगठित होगा। प्योरिटी वाला है ना, प्योरिटी जिसमें होगी उसमें संगठन की रूपरेखा जरूर दिखाई देगी। यूनिटी, प्योरिटी से दिखाई पड़ती है यूनिटी। यूनिटी में नहीं दिखाई देता तो प्योरिटी कहाँ रही? उसके अंदर से ईर्ष्या देश भरा हुआ है, साथ में बैठ नहीं सकता, साथ में खा नहीं सकता, साथ में रह करके बात नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। देखना भी जिसे पसंद नहीं है वो सहयोगी कहाँ हुआ? अरे मनुष्य गुरुओं ने भी लिखा हुआ है, संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में भगवान की शक्ति भी काम नहीं आती उतनी जितनी संगठन की शक्ति काम आती है। भगवान भी अकेला सेना भार नहीं फोड़ सकता। बच्चों का संगठन बनाता है ब्राह्मणों का, उनमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण सूर्यवंशी ब्राह्मणों का संगठन बनता है। और एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर फिर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए 108 की माला तैयार हो जाती है, जो भगवान के गले का हार बनती है। सारी दुनिया के हर धर्म के लोग माला घुमाते हैं, स्मरण करते हैं। हर धर्म में माला का इतना महत्व क्यों है? ये माला काहे की निशानी है? संगठन की निशानी है। जो संगठन में रहना ही पसंद नहीं करता वो माला रूपी संगठन में आवेगा? फर्स्ट क्लास माला जो 8 की बनती है, 8 रत्नों की, उसमें आवेगा? 108 की माला में आवेगा? अच्छा 16108 की माला में आवेगा? आ ही नहीं सकता। उसमें तो संशय पैदा होता है कि 9 लाख हार के संगठन में भी आएगा या नहीं आएगा। अगर ऐसी ही नफरत की दृष्टि बनी रही संगठन के प्रति, ब्राह्मण संगठन जो कि ईश्वरीय संगठन है, तो डब्बा गोल हो जाएगा। बाकी आपको उसके साथ आना है, रहना है, भले रहिए। कोई किसी के साथ प्यार करता है, कोई किसी के साथ प्यार करता है। इसने प्यार करने के लिए कोई बंदी से थोड़े ही है बाबा। और झूठी गीता और सच्ची गीता थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, उसमें जो गीता ज्ञान को जब प्रैक्टिकल जीवन में धारण करता है वो सच्ची गीता कहलाएगी? हाँ जी, प्योरिटी है तो सच्ची गीता, प्योरिटी नहीं है, कालिमा है तो झूठी गीता। इसमें नई बात क्या है? तो बाबा छोटी माता जो है वो सच्ची गीता के रूप में प्रत्यक्ष होगी? छोटी माता कौन है, बड़ी माता कौन है? भारत माता जी। भारत माता, भारत छोटा है और जगत बड़ा, जगत तो बड़ा है। ये सास बहु की लड़ाई बहुत पुरानी चली आ रही है। बाबा और एक बात पूछना है, आजकल जो बाबा के बच्चे जब लिखते हैं, कुछ लेटर लिखते हैं या यज्ञ सेवा लिखते हैं, वो जब ब्रह्मा बाबा के समय में लिखते थे शिव बाबा क्या रहा ब्रह्मा और प्रदेविता ब्रह्मा, और अभी भी शिव बाबा तो अभी डायरेक्ट आए हुए हैं, फिर भी तू शिव बाबा लिखने के बजाय फिर भी तू शिव बाबा उसके बाद फिर प्रदेविता ब्रह्मा लिखते हैं, तो बाबा इसमें अज्ञानता होती है? थोड़ा ये डायरेक्ट लिखना चाहिए तू शिव बाबा, फिर इसमें क्या रहा प्रदेविता ब्रह्मा क्यों लिख देते हैं? क्योंकि अभी तो बाबा साकार में आया हुआ है डायरेक्ट, तो इसको क्या कहेंगे बाबा? तो बुद्धि की थोड़ी कमी है या थोड़ा? ब्रह्मा के बगैर शिव कुछ काम कर सकते हैं? शिव का प्यारा बच्चा कौन? ब्रह्मा। ज्यादा सहन किसने किया? ब्रह्मा न कि शंकर ने? ब्रह्मा। तो बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं वाणी में, सहन करना है या सामना करना है? सहन करना।
तो जो बच्चा बाप की पूरी डायरेक्शन को मानता है उसको प्यार नहीं करेगा, उसके बगैर कोई काम करेगा क्या है? एक के पतित होने से सारी दुनिया पतित हो जाती है, एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बन जाती है। वो एक कौन? ब्रह्मा। किसमें वाला? साकार में चाहिए। जब केयर ऑफ लिखा जाता है तो व्यक्ति मौजूद होना चाहिए वो केयर ऑफ वाला, या जो मौजूद ही नहीं है वो माना जाएगा? मौजूद है जो मौजूद है घर में वो माना जाएगा केयर ऑफ। तो वो ब्रह्मा तो जो माउंट आबू में था वो तो शरीर छोड़ गया, वो कहाँ से केयर ऑफ बनेगा? वो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती शास्त्रों में, चित्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में। ब्रह्मा की पूजा होती है क्या? नहीं। पूजा भी नहीं होती, फिर उसको केयर ऑफ लिखने से क्या फायदा? वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जो माउंट आबू में शरीर छोड़ गया, वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। तो सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद राम की आत्मा माने शंकर में प्रवेश करके बीज रूप भी बनता है, और बीज रूप स्टेज प्राप्त होने के बाद वो कोई कन्या माता में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करके कार्य करता है वो जगदम्बा देवी के रूप में पूजी जाती है। ब्रह्मा बड़ी माँ, जगदम्बा बोरी सारी जगत की अम्बा, दोनों ही एक हैं। ब्रह्मा के रूप में दाढ़ी मूछ वाला रूप नहीं पूजा जाता, वही ब्रह्मा की सोल जग जगदम्बा स्त्री चोला धारण करती है तो पूजी जाती है, वो पूजनीय रूप बन जाता है। तो केयर ऑफ नहीं लिखना है तो बाबा डायरेक्ट मामा, तू मामा बाबा लिखने से भी तो होगा ना बाबा? तू मामा बाबा दोनों ऐसे लिखने से तो होगा, फिर क्यार लिखने से, क्यार लिखने का बदले ये लिख सकते हैं या केयर ऑफ ब्रह्मा, यानी केयर ऑफ तू शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा ऐसे लिखते हैं ना? और इसमें दो बातें हैं, जिस शंकर वाली जगत पिता की सोल में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं वो भी ब्रह्मा है या नहीं है? कैसे है? शंकर के तन में प्रवेश करता है तो उसका नाम भी क्या रखना पड़े? ब्रह्मा रखना। ब्रह्मा, और उसमें ब्रह्मा जिसने सहन शक्ति का रूप धारण किया वो प्रवेश भी करता है, इसलिए भारत की परंपरा में अर्धनारीश्वर रूप गाया हुआ है, आधी माता आधा पिता। शंकर का पुरुष रूप आधा दिखाते हैं और बाई ओर आधा नारी रूप दिखाते हैं पार्वती का, तो स्वभाव संस्कार का मेल हो गया, माने राम और कृष्ण की आत्माओं के स्वभाव संस्कार का जब मेल होता है तो अर्धनारीश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि मम्मा अभी घूंघट में है, जगदम्बा अभी घूंघट में है, किसी को दिखाई नहीं पड़ती, तो माँ का प्यार बच्चों को नहीं मिल रहा है, बिना माँ के प्यार के बच्चे ब्राह्मण परिवार पल रहा है? नहीं, अभी भी एक ही पर्सनालिटी के द्वारा माँ का प्यार भी मिल रहा है और बाप का प्यार भी मिल रहा है, इसलिए ये ब्राह्मण परिवार टिका हुआ है, नहीं तो बिखर जाए। और बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजा रही थी, खड़े होकर बोल दो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाथ उठाओ।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्या स्थिति में रहने वाले क्या बात हुई ऐसा कोई मुरली में नहीं बोला 8,12,000 महान स्थिति में रहने वाले और सब छोटी स्थिति में रहने वाले। आप भाषा नहीं समझते इसलिए आपने ऐसा समझ लिया। हाँ जी हाँ ये तो किसी ने नहीं कहा। वैजयंती माला जो है उस वैजयंती माला में ज्ञान गंगाएं प्रवेश होंगी क्योंकि ज्ञान गंगा है रुद्रमाला से। जो गंगा का पाठ बजाने वाला अब्बल पाठधारी है वो कन्याओं माताओं के बीच में सबसे जास्ती ज्ञान एडवांस के आदि में उठाता है। आदि में ज्ञान उठाता है लेकिन संगी साथी नहीं बनता, वो अंत में पूरा संगी साथी बनता है, इसलिए वो रुद्रमाला का मणका है। और रुद्रमाला का मणका होने के कारण रुद्रमाला के मणकों को विजयमाला में पिरोया जाएगा, तब वो विजयमाला का मणका बनेगा। बाकी रुद्रमाला अलग है और ज्ञान गंगाएं रुद्रमाला के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और एक भी पावरफुल संगठन बनने पर तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए एक संगठन दूसरे संगठनों को खींचते हुए अंत में 108 की माला तैयार हो जाएगी क्योंकि 108 की माला में 9 ग्रुप हैं 12-12 के, 12 × 108। तो जो पहला 12 का ग्रुप है सूर्यवंशियों का वो पहले तैयार होगा या चंद्रवंशियों का भी साथ साथ तैयार होगा? कौन सा तैयार होगा है? सूर्यवंशी ही पहले तैयार होगा। सूर्यवंशियों का जो 12 का संगठन तैयार होगा उसमें अष्टदेव पहले होंगे वो तैयार होंगे या नष्टदेव पहले तैयार होंगे? आप नहीं बोलिए ना। हाँ अष्टदेव ही पहले तैयार होंगे। जो अष्टदेव ज्ञानी तू आत्मा पहले तैयार होंगे उनमें भी पहला देवता जो है वो संपूर्ण 100% सूर्यवंशी होगा या दूसरे भी सूर्यवंशी होंगे 100%? एक फूल होगा। जो एक फूल है वही नारायण का रूप है, वही शंकर का रूप है, वही 16 कला संगम भी कृष्ण का रूप है और वही सारी सृष्टि का प्रजापिता या जगत पिता का रूप है। उसकी रहबरी में जो पलने वाले होंगे वो सारे ही सूर्यवंशियों का संगठन होगा, उसमें 7 भी आ जाएंगे। अष्टदेवों में जो 7 हैं वो भी उसकी रहबरी में पलने वाले कहे जाएंगे, भले आना जाना करते हो। और ब्रह्मा अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई, एक थोड़ी देर और रुको। तो जगदम्बा है, वो जगदम्बा चंद्रवंश का बीज है या सूर्यवंश का बीज है? तो चंद्रवंश का बीज तो अभी संगठन पहले शुरुआत होने का ही सवाल नहीं। सूर्यवंशी संगठन जब कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में चंद्रवंशी संगठन बाद में निकलेगा, पहले नहीं निकल सकता। और
अपने कन्या को अगर दे रहे हैं तो ध्वजा कली की होगी, क्योंकि मैंने हजर माता की जो दाने हैं। वंश जब होता है सूर्य वंश, तो उसमें सिर्फ राजा रानी का ही वंश गिना जाता है या राजा के साथ प्रजा वंश भी गिना जाता है? राजा होता है तो रानी भी होती है, या बिना राजा रानी के तो मिट्टी मार्ग बन जाएगा? राजा भी चाहिए रानी भी चाहिए। राजा रानी ने कहो, रुद्रमाला भाई भाई कहो, तो भी दो रूप चाहिए, तब प्रवृत्ति मार्ग कहा जाएगा। भाई बहन कम से कम चाहिए, इसलिए माता पिता कहा जा सकता है सूर्यवंशियों का। सिर्फ सूर्यवंशियों का कोई माता पिता भी चाहिए, माता पिता के रूप में पालना देने वाला चाहिए। सूर्यवंशियों में ही होंगे, वो तो सारी दुनिया के पूर्वज हैं। चंद्रवंशियों के भी पूर्वज उसी में है, इस्लाम वंशियों का भी पूर्वज उसी में है, बौद्धि वंशियों का भी पूर्वज उसी में है, हर धर्म का पूर्वज अष्टदेव में। और ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र, अभी अभी माता जी की बात पूरी हो, फिर दूसरा प्रश्न बाद में करो। विष्णु शंकर दिखाई थी, खड़ा हुआ जिसमें प्योरिटी होगी वो अंत तक खड़ा रहेगा या पड़ा रहेगा? खड़ा रहेगा। और जिसमें प्योरिटी नहीं होगी वो आज खड़ा हुआ है, कल बैठ जाएगा, कल महाकाली के नीचे पड़ा हुआ होगा। कारण के लिए चार भुजा दिखाया, भुजा माने क्या? सहयोगी, चार आत्माएं विशेष सहयोगी बनती हैं, इसलिए चार भुजाएं दिखाई गई। 100% जो सहयोगी बनती हैं वो चार भुजाएं दिखाई गई हैं, दो राइटियस के रूप में, दो लेफ्टियस के रूप में, दो आत्माएं लेफ्ट में है और दो आत्माएं राइट में है, इसलिए चार आत्माएं सहयोगी है। जिसकी सहयोगी है वो ऊपर है बुद्धि में। और एक मुद्दी में आया था, दो दिल्ली लॉर्ड रहे थे, आप इससे मक्खन ले लिया है, क्या है बाबा? दो बिल्ले तो ये दुनिया के जो यादव धर्म के, क्राइस्ट क्रिश्चियन के जो रूप हैं, नास्तिक और आस्तिक क्रिश्चियन, वो ही दो बिल्ले हैं। वो आपस में लड़ते हैं, सारी सत्ता अभी सारी दुनिया की किसके हाथ में? इस्लामियों के हाथ में या क्रिश्चियन सिखों के हाथ में? क्रिश्चियन इस्लामियों के हाथ में है, क्रिश्चियंस के हाथ में है, जिन्होंने एटम बम बनाए हुए रखे हैं, उनसे सारी सत्ता तुम बच्चों के हाथ में आ जाएगी। वो दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे और मक्खन सारा तुमको मिल जाएगा। आदम जो है सो ईब कैसे हो जाए, औरत है सो ही आदमी, आदमी है सो ही औरत, ये कैसे हो जाए? ये भाई तीन मुरली से निकाले कौन भाई? बाबा अभी जो बोले एक माता का भी प्यार दे रहा है, अभी आपने बोला तो आदम और ईब का दोनों का पाठ हुआ। कंबाइंड स्वभाव संस्कार की बात बताई कि जो इस समय माता अभी गुप्त है, कभी क्या होता है परिवार में माता बीमार हो जाती है, बेहोश हो जाती है या कामा में चली जाती है, तो क्या परिवार का पोषण नहीं होता है? होता है, बाप जिम्मेवारी लेता है, बाप जिम्मेवार है, तो वो स्वभाव संस्कार का मेल है, बाकी व्यक्तित्व नहीं है। एक व्यक्तित्व फिर भी दो है, घूंघट में है का मतलब ये नहीं इस दुनिया से लोप हो गई, उसके अस्तित्व को नकारा जा रहा है, नहीं, जगदम्बा तो पहले भी थी अभी भी है,
और आगे भी रहेगी। हाँ नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बाबा जी राम वाली आत्मा का नाम जैसे आदि में मायावी रावण था, मायावी रावण था तो राम वाली आत्मा का आदि में नाम रावण था मायावी रावण है? माने तुम दोनों की बातें कुछ मिलती जुलती है, तुमने समझ लिया उसकी बात को? कौन वो भाई नहीं समझ पाते, आप उनको समझ करके बता रहे हैं। माने आपस में बात होती रहती है, एक ही पार्सल है, एक ही पार्सल है। ये तो हमने कहीं नहीं सुना, राम की आत्मा वो यज्ञ के आदि में रावण के रूप में थी। वो भाई यही तो बता रहा है, वो पूछा नहीं है। बड़े भाइयों की तरह पूछा नहीं, माता से पूछा नहीं, इसलिए संशय है इस बात। कौन सी माता से नहीं पूछा? चुनाव से पहले जो आए हुए कुछ है लफड़ा। अच्छा चलो बताओ बताओ क्या बात है। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम क्या है? बाप का नाम राम। वो राम है लेकिन फिर भी उसका नाम महावीर है ना। हाँ महावीर है। जो रावण के साथ युद्ध होता है जो वीरता मतलब मंगल लोगों का जो वीरता प्राप्त होता है हाँ। तो राम वाली आत्मा है ना। हाँ लेकिन क्या थोड़ा बाबा को थोड़ा समझ में उनका नहीं आया। अच्छा आप समझ गए बाबा, मैं क्योंकि एक बार पढ़ी तो समझ में आया, पांच बार पढ़ी तो फिर समझ में क्या समझ में आ गया हमको भी समझाओ। हाँ वीरता को प्राप्त होता है, माना पहले वीरता नहीं थी बाद में वीरता को प्राप्त होता है, रावण से युद्ध करने से वीरता प्राप्त मिलती है। अगर रावण से युद्ध न करता राम तो वीर नहीं था, गधेरा था, लेकिन प्राप्त नहीं होता वीरता। माना रावण से युद्ध नहीं करेगा तो वीरता प्राप्त नहीं होती, युद्ध करने के कारण जैसे होता है ना अखाड़ा, पहलवान अखाड़े में लड़ाई लड़ने जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं तो पहलवान साबित होते हैं, अगर लड़ाई न लड़े तो पहलवान साबित नहीं होंगे। माना लड़ाई लड़ने के बाद ही पहलवानी साबित होगी, नहीं तो पहलवानी साबित नहीं होगी, ये मतलब है। अच्छा वो लड़ाई जो है वो देवान की लड़ाई है, रावण तो देवान की लड़ाई लड़ता है। राम के जो बाण है वो रूहानी बाण है या देवान के बाण है? रूहानी बाण है, उसको तो लड़ाई कहना भी नहीं चाहिए। बाबा ऐसे शंकर को अमोक विजयधारी कहते हैं, इसका प्रमाण कन्या माताएं देंगे क्या? आप देंगे? आप दे सकते हैं? हम कन्या माता ही देंगे। अच्छा आगे इस बात पर ही बड़े बड़े सन्यासी मतलब शंकर की पाठ को मानेंगे ना। अरे सेवक को प्रत्यक्ष कौन करता है? शक्तियाँ बोलते हैं भाई, और शक्तियाँ बैठी है चुपचाप। शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो कौन बनता है? शक्तियाँ शिव को प्रत्यक्ष करने के निमित्त तो बनती हैं। क्या शिव जो एवर प्योर है उसकी एवर प्योरिटी को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त शक्तियाँ बनेंगी, गधेड़ियाँ नहीं बनेंगी। वो तो और ही क्या करेंगी हैं? नहीं कलंक लगा देंगी। सन सोच फादर, फादर सोच सन। हाँ जी
तो वो जो बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं वो पुरुष संस्कार वाले बच्चे बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं या स्त्री संस्कार वाले बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं? पुरुष संस्कार वाले बच्चे पहले प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, वो है सूर्यवंशी। हाँ बाबा, एक बात, एक बाबा, जो 12 ज्योतिर्लिंग हम भारतवर्ष में गाए हुए हैं उसमें तो एक है शिवलिंग, और उनके साथ जो सहयोगी हो क्या नंबर वार जलाधारी हैं क्या? ये क्या बात हुई? जितने भी 12 शिवलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो शिवलिंग नहीं है क्या? नहीं वो तो है बाबा, है लिंग तो एक है पर उनके साथ। क्या बात हुई? और शिवलिंग जो कहा जाता है, 12 ही शिवलिंग है। शिवलिंग लिंग माने निशान, जो लिंग है उनमें शिव प्रवेश करता है। कौन सा शिव प्रवेश करता है? सदा शिव नहीं, ज्योतिर्लिंग नहीं, जो शिव बाबा है वो 12 में प्रवेश करके कार्य करता है, इसलिए 12 शिव बाबा के सहयोगी है। 12 का नाम शिवलिंग है। बाबा तो उनका यादगार का कैसे पड़ता है, क्या प्रैक्टिकल प्रूफ ऐसे होगा? क्या प्रैक्टिकल प्रूफ होगा? क्योंकि वो तो अमोघ वीर्य तो बाबा शिव ही तो है, अमोघ वीर्य का उल्टी मोटी हो गई, तुमने शुरू कर दिया काम क्या? नहीं बाबा, प्रश्न जो है उसी आधार पर पूछ, वो प्रश्न आधार नहीं है, वो भूल जाते हैं उसका नाम शिव है। जो शिव स्वरूप है, जो कल्याणकारी है, वो ही शिवलिंग है। जो सारी दुनिया का कल्याण नहीं कर सकता वो 12 शिवलिंग के रूप में प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। वो प्रत्यक्ष 12 शिवलिंग तभी होते हैं जब उसमें शिव बाबा प्रवेश करता है। मुरली के महाराज के अनुसार हाँ ये बोला जा रहा है कि आदि सो अंत है, तो अंत में अभी बाबा का जो सहयोगी शक्ति बन रही है, छोटी मम्मी, छोटी मम्मी, हाँ छोटी मम्मी को सहयोगी शक्ति बनेगी बनेगी हाँ हाँ बनेगी हाँ। तो आदि में निश्चित रूप से ये बोला जाएगा कि वही भी कुछ सहयोगी शक्ति आदि में थी, ये किसे का भी नहीं थी, क्लियर करने के लिए हम चाह रहे हैं, हम क्लियर जानने के लिए चाह रहे हैं कि ये कौन कह सकता है कि छोटी मम्मी आदि में सहयोगिनी शक्ति नहीं, जब शिव बाबा आता ही भारत माता में जी कि जगदम्बा में आता है, पहले भारत माता में आता है, तो भारत माता में आवेगा तो सहयोगिनी शक्ति नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये साफ हुआ, पहले जो सूरज नाम जो थे अगर होगी नहीं तो विरोध के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगी। यज्ञ के आदि में तो विरोध हो गया था, विरोध हो गया था, माता अलग हो गई, बाप अलग हो गया, मम्मी और पप्पा की लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई, हीरो समा नागासाकी को एटम बम गिर गया, हीरो की समा जल गई, टूट गई है माला मोती, बिखर गए। और एक आदमी पूछो, ब्रह्मपुत्र माना रुद्रमाला का कोई मणका है, ब्रह्मपुत्री माना विजयमाला का कोई मणका है। संसार में लोग भक्ति मार्ग में क्या नाम देते हैं, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं या पुत्री कहते हैं? ब्रह्मपुत्री कहते हैं संसार में। और बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा। माना बाबा किस तरफ इशारा दे रहे हैं? रुद्रमाला के मणके की तरफ इशारा दे रहे हैं या विजयमाला की तरफ इशारा दे रहे हैं? शिव बाबा जब आते हैं तो किससे बात करते हैं, पहले पहले किससे बात करते हैं?
रुद्रमाला की बात करते हैं। रुद्रमाला के मणकों से बात करते हैं, इसलिए रुद्रमाला में बोला है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है जब तक ऊंची स्टेज में है तब तक है, जब काला पार्ट बजाती है तो नीची स्टेज में आ जाती है, इसलिए उसे ब्रह्मपुत्रा नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, ओम राधे यज्ञ के आदि में नहीं थी और अंत में भी नहीं है। बीच में आती है, बीच में लोप हो जाती है, इसलिए सरस्वती नदी को इलाहाबाद में गंगा और यमुना के बीच में दिखाया जाता है। सफेद धारा और यमुना की काली धारा दोनों के बीच में एक लकीर दिखाई देती है, उसको कहते हैं सरस्वती नदी। अभी भी वही मुख्य है सूक्ष्म रूप में जो सब नदियों में प्रवेश करती है, सब देवियों में प्रवेश करती है, इसलिए देवी एक ही है, उसके रूप अलग अलग है। और माना जो भी हमारे संबंधी हैं उनमें जिस संबंध से हमारा ज्यादा अटैचमेंट हो या जिस संबंधी का हमारे में ज्यादा अटैचमेंट हो, हम उसकी ताकत को ईश्वरीय सेवा में अर्पण करें, अपने लिए अर्पण न करें। मान लो कोई संबंधी हमारे बहुत नजदीक है, हम उसकी बात मानते हैं, वो हमारी बात मानता है, तो हम उसकी जितनी भी पावर है तन की मन की धन की वो कहाँ लगाने की कोशिश करें, ईश्वरीय सेवा में लगाने की कोशिश। ये है संबंधियों की शक्ति अर्पण करना। और है पुरुष माला जो आदि तो अंत कहा जाता है। ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। विष्णु होता है सतयुग के आदि में, कलयुग के अंत में जब नई शक्ति रची जाती है, ब्रह्मा विष्णु का कार्य होता है शंकर का। तो जो विष्णु शक्ति के आदि में होगा, जब शक्ति का अंत होगा तो कोई युगल जोड़ी विष्णु स्वरूप नहीं होगी क्या? होगी या नहीं होगी? आदि में होगी तो अंत में भी, आदि में नहीं होगी तो अंत में भी नहीं होगी। तो इतनी युगल जोड़ियां हैं 33 करोड़, उनमें कोई तो एक योगी एक युगल जोड़ी होगी जो आदि से लेकर के अंतिम जन्म तक वरम संभव न तो रही कुमारी इसके विरुद्ध का पालन करने वाली होगी, तो कौन हो सकती है वो? छोटा देश होगा या सारी दुनिया होगी, सारा जगत होगा, छोटी मम्मी ही कही जाएगी। ब्रह्मा बाबा जब इतने सौम्य स्वभाव के थे तो उनकी जो बहन होगी
उसका खून कैसा होगा? सौम्य स्वभाव का ही होगा ना, इसलिए दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला 5000 वर्ष के बाद, और ब्रह्मा की नाभि से 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु निकल पड़ा। बाबा ये अष्टरत्न और अष्ट में से अष्टरत्न को कहा गया है कि वो पावरफुल है और अष्टदेव जो है वो पावरफुल नहीं है, पर उनमें वो कौन सी स्थिति रहती है, क्या सच्चाई की स्थिति रहती है, क्योंकि उनके पास तो बाबा का जैसे उनका जो ग्रुप का जो हेड है वही ज्ञान तो उनमें ही रहेगा, क्योंकि जो सूर्यवंशी है सूर्य के पास जो सूर्य की किरण है इनके पास तो वही किरण रहेंगी, परंतु वो पावरफुल नहीं है और वो पावरफुल है अष्टरत्न, तो उनके पास कौन सी स्थिति रहती है जो बाबा के नजदीक हो जाते हैं? भगवान देवताओं के साथ रहता है या आसुरों का साथ देता है? तो भगवान बाप जिनके साथ है वो पावरफुल नहीं होंगे तो क्या कमजोर होंगे? साथ है तो पावरफुल है, अंतिम जन्म में जब साथ नहीं रहता तो कमजोर हो जाते, बिछुड़ जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। राक्षसों को भगवान का साथ मिले न मिले वो फिर भी पावरफुल होते हैं, क्योंकि राक्षसों का जन्म पहले हुआ और देवताओं का जन्म बाद में हुआ। यज्ञ रचा गया तो सारी दुनिया के सामने जो ब्राह्मण प्रत्यक्ष हुए वो राक्षसी ब्राह्मण प्रत्यक्ष हुए या दैवी ब्राह्मण प्रत्यक्ष हुए? 2076 तक कौन से ब्राह्मण प्रत्यक्ष हुए? राक्षसी ब्राह्मण प्रत्यक्ष हुए। हाँ, 2 घंटा हुआ। हाँ जी, 2 घंटा हो गया। बाबा जो बच्चे मतलब 7 क्लास पास कर लेते हैं, हाई स्कूल पढ़ते हैं, पर उनको 7 क्लास को हाई स्कूल नहीं कहा जाता, पास कर लेने के बाद 8 क्लास जब पढ़ेंगे तो 8 क्लास को भी हाई स्कूल नहीं कहा जाता।